ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें ना इरम, तो इस तरह की अब हर जगह पे सिचुएशन हो गई है कि हमारा जो एक पेशेंस का लेवल है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, जो टॉलरेंस का लेवल है हमारा बहुत ज्यादा कम हो गया। हल्की सी यहाँ पे किसी ने बात की और अगला बंदा फौरन से भड़क जाता है। सो ये मसला भी होता है। अब ये दूसरे बंदे की बात नहीं है, नहीं कि वो बंदा भड़क जाता है, मतलब उसके भी अपने एक बात है कि आप दोनों तरफ से बात होती है ना, यू भड़कने के पीछे भी एक रीजन होती है, वो एकदम से भड़कता नहीं, उसके पीछे काफी दिनों से कुछ एब्सोल्युटली, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके रिश्ते खराब होते हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं। अब अगर हम ताल्लुकात की बात करें तो इसमें हर तरह के ताल्लुकात आ जाते हैं। अगर हम बात करें फैमिली की, रिश्तेदारों की, वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, तो उन सब में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। तो इन सब रिलेशनशिप्स पे ये जो मसले हैं इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आते क्यों हैं, पहले तो हम उनकी वजूहत को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक वजह तो हमने डिस्कस कर दी ना कि पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उसके अलावा और कौन सी वजूहत है, आज सारी वो रीजन जो है वो डिस्कस करे होंगे। साथ ही साथ हम उसकी हल्की भी बात करेंगे, किस तरह से अपने रिश्तों को मजबूत और खूबसूरत बना सकते। बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया, बहन भाई हो, आपका पार्टनर हो या आपके बच्चे हो, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहता, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आता होता है, और इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपके वर्क प्लेस पे या जहाँ पे आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो वहाँ पे भी गुजारा नहीं होता, लेकिन हाँ किसी हद तक हो जाता है। लेकिन आपके जो क्लोज रिलेशन रिश्ते होते हैं, जैसे आपके करीबी दोस्त होते हैं, आपके करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम आए तो गुजारा नहीं होता। तो किस तरह से अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है, यकीनन आज इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान लाइफ कोच हैं जी, मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, कैसे आप जी? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जनाब, जैसे कि बड़ा ही रिलेशनशिप के हवाले से ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाता है, किस तरह से अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है, इस हवाले से तो बात करेंगे। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि मोहम्मद अली, क्या रीजन है क्यों हमारे जो रिश्ते हैं अब कमजोर होना शुरू हो गए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहली इसकी जो रीजन मैंने जितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और लोगों के साथ काम करता हूँ, जो मैंने समझी है वो ये है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मैं अपने अंदर, मेरे एक चोर है, इसलिए मैं, चूंकि मुझे ये पता है कि मैंने आपको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाना है, तो मुझे हर इंसान पे शक है जिससे मेरा कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो बिजनेस है। तो जब मैं अपने ऊपर डाउट करूंगा तो मैं हर इंसान पे अपने आसपास डाउट करूंगा, और जब मैं सब पे डाउट करूंगा तो डेफिनेटली मैं उस तरह से उसको टैकल करूंगा जैसे मैं किसी जंग में हूँ। और हालत है जंग में, तो हमारे यहाँ पे एक कहावत किसी ने ये भी हमें बता दी ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो हालत है जंग में सब जायज है। तो फिर हम ये कहते हैं कि हम मार धाड़ करें, इस तरह से करें कि मैं, चूंकि मैंने तो फ्रॉड ये करना था तो मुझे पता है कि आप भी ये करने वाले हैं मेरे साथ, इसलिए हाँ मुझे पहले ही पता चल जाता है मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे पहले ही पता चल जाता है कि मेरे साथ आपने किस तरह का धोखा करना है, तो मैं आपको काउंटर करूँ। और काउंटर मैं कैसे करूंगा, ये मुझे ये सिखा रहा है मेरा मीडिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ड्रामे, मेरी फिल्में, हमारा सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया जी। देखो, काउंटर करने का तरीका जो मुझे सिखा रहे हैं ये सारे, वो है वायलेंस का तरीका। ऊंची आवाज में बोलो, रोब से बोलो, पिस्तौल लेके जाओ, अगले को मारो, चार ये लगाओ। अब मुझे इतना दुख हुआ जो सियालकोट वाले वाकये के साथ साथ जो हमारे तीन वाकयात और हुए, जो कराची में एक औरत ने वाकया किया, चोर या जो भी थे उनके साथ, तो मतलब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये हमें सबको डिसेंसिटाइज करके ये बताया जा रहा है कि जी अगर आपने अपने आप को बचाना है तो उसका ये तरीका कि आप वायलेंट हो जाए। जब हम वायलेंट, हम ट्रस्ट नहीं करते, हम वायलेंट होते हैं, तो फिर रिश्ते तो गए भाड़ में, दोस्तियां गई जहन्नुम लेने। ठीक है, हमें क्या है, मुझे तो अपने आप को देखना है, नफसा नफसी है ना, मुझे ये देखना है कि मेरा फायदा एक्स से हो रहा है या वाई से, और वो फायदा मैंने कैसे निकालना है, इसके उस फायदे के चक्कर में चाहे मुझे कितने ही सर काटने पड़े मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। एक रीजन तो आपने बता दी मोहम्मद अली कि भरोसा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ बिलीव नहीं है, तो इसके अलावा और कौन सी वजूहत है रिश्ते खराब होने की, रिश्ते आपसे निभाए नहीं जाते सही तरीके से? जी उसकी दूसरी वजह यह है जी, हम सब जल्दी में है, ठीक है, हम सबको क्विक सोल्यूशन चाहिए और मेरी मर्जी के मुताबिक हर चीज चाहिए। हम ये आप देखिएगा, मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल दिया करता हूँ अपने सेशंस में अक्सर, कि हम फोन उठाए कहते हैं आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप सुनना नहीं चाह रहे, आप समझना नहीं चाह रहे। हमारे यहाँ पर अमेनिटी में कहते हैं कि देयर इज नो फेलियर, इट इज ऑलवेज अ फीडबैक।
कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट अ फीडबैक. हम फीडबैक लिए बगैर हम ये समझते हैं कि ओहो देखा ना ये सामने वाला मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता. ये नहीं जानते कि यार मेरे मैं कम्युनिकेशन में एक बात लोग अक्सर पूछते हैं ना जी के कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, एक मीडियम चाहिए और एक मैसेज चाहिए. मैं समझता हूँ ये सब गलत है. कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द सेंडर एंड्स विद द सेंटर. एब्सोल्युटली. बिकॉज अगर मेरे अंदर का मौसम खिजां का है तो मुझे आपके ऊपर खिजां ही नजर आएगी. तो इसलिए मैं आपका जो भी जवाब मुझे आएगा चाहे उसकी इंटेंशन ठीक ही क्यों ना हो मेरे नजदीक वो गलत होगा. तो मेरा अगेन थ्रेश होल्ड जो है वो इतना कम हो गया है क्योंकि मुझे अपने ऊपर एतबार नहीं, मुझे आप पे एतबार नहीं, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं मैं और मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चीज चाहिए. और अगर आपने जरा सी इधर उधर कर दी जिसको एक साइकोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इस वक्त अगर आप अपने मुआशरे में आसपास देखें तो हम मेजॉरिटी लोग किसी ना किसी तरह OCD का शिकार होते जा रहे हैं बगैर वजह के. ठीक है. और वो जो शिकार हम हो रहे हैं वो हमें उन रिश्तों से और दूर ले जाता जा रहा है. बिकॉज हमारे लिए अब रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं रहा. हमारे लिए इवन माँ बाप के ऊपर हम उनके ऊपर भी हमें डाउट्स आ गए हैं. अच्छा मेरे पास तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि OCD मतलब हम बेसिकली ज्यादातर OCD को हम एक डिजीज से कर रहे होते हैं ना कि जिनको बहुत ज्यादा हर चीज में परफेक्शन उस तरह से चाहिए होता है. हमारे हमारे मुआशरे में किस तरह से प्रिवेल करिए और आप उसको किस पानी में ले रहे हैं. जी मैं हमारे मुआशरे में आप ये देखे ना देखे अगेन मैं इस वक्त वो जो साइकोलॉजिकल OCD की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जेनेरिक OCD की बात कर रहा हूँ. जेनेरिक OCD जिसको मैं कहता हूँ वो ये है कि हर बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके बच्चे हैं मतलब आप बच्चों की चले एग्जांपल लेते हैं बच्चे हैं तो उनको लगता है कि हमारे वालदैन ही हमारे दुश्मन है हमारे वालदैन हमें आजादी नहीं देते. बीवी है तो वो समझती है शौहर मुझे आजादी नहीं देता. शौहर है तो वो ये समझता है मेरी बीवी मुझे आजादी नहीं देती मेरे मुताबिक नहीं चलती. उसको अपनी जात से बाहर वो नहीं निकलता. बच्चा अपनी जात से बाहर नहीं निकलता. माँ बाप चाहते हैं कि हम कंट्रोल में रखें. अगर मैंने मेरी माँ ने सफाई जो है वो इस हाथ से की है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हाथ से सफाई करने की. सो हमारी जो नॉर्म्स हम लोग लेकर आ रहे हैं हम उसके अंदर इतना हम रिचुअल्स में फंस गए हैं. हम एसेंस जो है ना वो खत्म हो चुका है. तो असल जो एक किसी भी मैसेज की एक एसेंस होता है कि वो कहते ना कि बात के अंदर एक बात है और वही असल बात है. तो वो जो असल बात है हम वो नहीं जानना चाहते. हम ये देखना चाहते हैं कि मेरी सुर्खी पाउडर लगी हुई मैं कैसी लगूंगी या लगूंगा इससे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर मैं जो मर्जी हूँ. जी सो उस वजह से हम एक अपने ऑब्सेशन में पड़ गए हैं. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो मैं कहता हूँ तो हम अपने साथ ऑब्सेशन में हैं. अपने साथ हम तो अपने अपनी जो लर्निंग हम मेरी माँ खाना ऐसे पकाती थी तुमने खाना वैसे क्यों नहीं पकाया तो हम उस कंपल्शन में पड़ गए हैं. ठीक है. और हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि बड़े छोटे के दरमियान तमीज खत्म हो गई है. आई एम सॉरी आई डिसएग्री विद दिस. हमारे बड़ों ने वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया है. ये बड़ों की भी गलती है. बच्चे इतने कसूरवार नहीं है क्योंकि बच्चा एक क्लीन स्लेट था उस पे हमने लिखा है उस पे पेंट मैंने किया है. चाहे तो मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना दूं चाहे तो मैं खूबसूरत सी मोना लीजा बना दूं. ठीक है. सो वो जब मैंने उस पे वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया है तो उस बच्चे को ब्लेम करने का मुझे कोई हक नहीं है. मैंने अपने आप को मैंने नहीं सीखा कि पेरेंटिंग कैसे करनी है. मैंने नहीं सीखा यार बच्चे की एज के साथ साथ मुझे उनसे ताल्लुकात डिफरेंट करने हैं. मतलब जब मेरा बच्चा 7 साल का है मुझे और तरीके से बिहेव करना है. मेरा बच्चा 10 साल का है मुझे और तरीके से उसके साथ दोस्त बनना है. वो 14 साल का हो गया तो मुझे उसके साथ और तरीके से दोस्ती करनी है. तो ये पेरेंट्स की आई बिलीव एल्डर्स आर मोर एट फॉल्ट देन द यूथ. कि हम उस सेल्फ ऑब्सेशन वाले फेज में चले गए वो OCD की. अब मुझे आपके अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं जैसे मुझे पहले समझ नहीं अब समझ आया कि हम सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा हो गए इस तरीके से कि हमें अपनी जात से ऊपर कुछ नजर ही नहीं आता. हमें लगता है कि हम ही सही हैं. हम जो बात करें वो सही है हमारी बातें सही है और अगला बंदा जो बात करे उसकी बात को भी इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे होते. हम अगले बंदे की सुन नहीं रहे होते सिर्फ हम अपनी सुना रहे होते हैं कि अच्छा ये हमारी स्टोरी है और ये हम है और बस हम है और हमें इससे ऊपर कुछ नजर नहीं. क्योंकि मोहम्मद अली आज के दौर में हम अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं हम अच्छे लिसनर नहीं बनना चाहते. जब हम अच्छे लिसनर ही नहीं है
फिर हम अच्छे स्पीकर भी नहीं बन सकते, क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, जब आप सुनते हैं तो आप अच्छा बोल पाते हैं। मोहम्मद अली, अगर पर्सनल मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, उसमें भी हमने देखा है कि बहुत बदगुमानियां होती हैं, बहुत जल्दी वो रिलेशनशिप टूट जाते हैं, खत्म होते भी हमने देखे हैं अपनी आंखों के सामने, तो क्या उसकी एक रीजन शक भी है? क्योंकि शक चाहे मेल की तरफ से हो या फीमेल की तरफ से हो, वो दोनों की तरफ से जब ये शक किया जाता है तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती, तो आप क्या समझते हैं ऐसा कुछ है? जी, ये आपने बहुत ही जबरदस्त पॉइंट उठाया है और मेरा ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। देखिए, हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप की खराबी की एक बहुत ही बुनियादी वजह, खास तौर पे मियाँ बीवी के, वो ये है कि हमारी दादियां, नानियां, पुपियां, चाचियां, खालाएं, वो पहले दिन से कहती हैं ध्यान रखना, मर्द 6 महीने बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। ये जो है ना, ओहो अच्छा, इसकी उसकी इसको ऑफिस में लड़कियां हैं, बच के रहना, नजर रखना। अब ये चीजें, ये बीज, फितने के ये बीज हमारे यहाँ पर पहले दिन से बोए जाते हैं, जो फिर बड़े होकर तनावर दरख्त बनते हैं। इसी तरह मर्दों के साथ भी है, यार तुम्हारी बीवी जो है वो फलानी जगह पर मैंने किसी के साथ वो बात करते देखी थी, वो हो सकता है उसका कोई कजन हो, वो हो सकता है उसका कोई भाई हो, हो सकता है कोई उसका क्लासमेट हो, कोई उसका टीचर हो, कोई भी हो, बट हम जी पर हमने वो बीज जरूर बोना है। तो अगर आप किसी, मैं चूंकि मैं तो अल्लाह के एहसान है मुझ पर बहुत बड़ा कि न जाने कितनी तलाकें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व तआला ने मुझे इस काबिल किया कि उसने मेरे थ्रू बचाई, ठीक है। तो उसमें आप यकीन कीजिएगा कि मेजॉरिटी टाइम्स इट इज नथिंग एल्स बट व्हाट अदर्स हैव बीन सेइंग। मैंने ये सुना था, इसने ये ऐसे कहा है, मैंने ये सुना, वो कहना कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, ठीक है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। तो वो जो गैरों से जो कहा जा रहा है, गैरों से जो सुना जा रहा है, वो हम फिर पेस्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो ड्रामे, अगेन मैं कहूंगा हमारे ड्रामे, उसमें फिर जो है ना वो जलती पतीली का कहता जलती पे तेल का काम करते हैं, कि वो उसको मजीद पॉलिश करके दिखाते हैं। सो हमारे, मेरी एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जब लोग रिश्ते के लिए जाएं तो 5 मौके ऐसे हैं कि जिन पर जरूर किसी से रहनुमाई हासिल करें। रहनुमाई अपने माँ बाप से नहीं लेनी उस वक्त, प्लीज वो किसी एक्सपर्ट से लेनी है आपने। क्यों? सबसे पहले जब आपका रिश्ता पक्का हो, ताकि आपको ये पता चले कि यार, और वो खानदानों की रहनुमाई होनी जरूरी है कि ये दो खानदान मिलने वाले हैं, हमारी वालदें, हमारे बड़ों को, हमारे बच्चों को ये बताना है कि बेटा मियाँ बीवी खुश भी रह सकते हैं, मियाँ बीवी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ, और अगर आपके शोहर से या आपकी बीवी से कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है, इग्नोर कर जाओ, दरगुजर कर जाओ, ये हम नहीं बताते ओए होए ऐसी तैसी, इसने कहा कैसे तुम्हारे भाई के खिलाफ, या उसने तुम्हारी बहन के, ठीक है। सो ये जो चीजें है ना, ये हमारे इन रिश्तों को मजीद खराब कर रही है। सो मेरी बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, जब आप रिश्ता तय करें तब जरूर सेशन लीजिए किसी एक्सपर्ट के साथ, जब आप निकाह कर लें तब जरूर सेशन लीजिए, जब आप मैं तो कहता हूँ वलीमे के अगले दिन ही सेशन लें, पहली प्रेगनेंसी पे सेशन लें और पहली डिलीवरी पे सेशन लें, और ये फैमिलीज के सेशन होने चाहिए ताकि आपको पता चले। क्योंकि अगर आपकी या मेरी वालदा ने हमारी परवरिश गलत की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार हम आगे भी गलत वही चीज आगे चांस से करें। बिल्कुल ऐसी, और यही चीज जो कि डिस्कस हो रही है, तो अगर पूरी कॉन्वर्सेशन को सम अप करें तो बेसिकली लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ी रीजन है रिश्ते खराब होने की। जैसे कि कोई तीसरा बंदा आ गया, उसे राधर देन दैट आप डायरेक्ट बात करें ना, डायरेक्ट डिस्कशन करें, तो हम बात भी नहीं करते हैं ना मोहम्मद अली। ऐसे भी तो होता है कि अच्छा मेरे दिल में अगर कोई बात आई तो मैं दिल में रखूंगी, मैं डिस्कस नहीं करूंगी, हो सकता है मैं जो सोच रही हूँ वो चीज ही ना हो, बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज हो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है ना। बिल्कुल, जो पहले आपने बात की थी ना एक्टिव लिसनिंग, इसी तरह एक एक्टिव ऑब्जर्वेशन है। आज मैं आपके व्यूअर्स को एक दो ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ कि जो अगर ये अपना लें, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह के अंबिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइट है इसकी, ठीक है, मेरा सब कुछ उन तक कुर्बान। वो ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिनको अल्लाह कुरान में कहता है मैं समी हूँ और मैं बसीर हूँ, यानी कि मैं देखता हूँ और मैं सुनता हूँ और मैं देखता हूँ। ये सुनना और देखना हमारी तरह से नहीं है जो आज हम कर रहे हैं, कि मैंने सुना तो है पर समझा नहीं है। तो अल्लाह सुभान व तआला ने हमें ये बताया कि एक अच्छा लिसनर वो है जो समझता है अगले की बात को, हमारी दुआओं को अल्लाह सुभान व तआला समझते हैं, हमारी मुश्किलात को समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनको समझते हैं, और उसके मुताबिक हमें सोल्यूशन भी देते हैं अपने, जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो अगर मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग, ये दो स्किल्स सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के अपना लूं, तो आप यकीन करें ना, मेरी सिर्फ ये कि मेरी दुनिया बेहतर हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बहुत अमेजिंग होगी।
इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। मोहम्मद अली बताइएगा फिर कि जो रिश्तों के जो मामलात हैं उनको बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, उनमें मजबूती किस तरह से ला सकते हैं आप। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, मैं आपको हमेशा अपनी एक मिसाल देके बयान करता हूँ बात, कि आप अगर कभी मेरी वाइफ से मिले ना तो आपको एक बात के आपको बड़ी खुशी होगी कि वो ये कहेंगी कि मैं तो अली पे शायद डाउट कर लूंगी, लेकिन अली ने जिंदगी में, माशाल्लाह मेरे 22 साल हो गए शादी को, अच्छा, अली ने कभी मेरे इनको डाउट नहीं किया। ठीक है, तो ये पहला असूल है, शक जो है ना वो रिश्तों की नहीं, वो हर चीज की का खन्नास है, वो शैतान का पहला बीज है जो वो बोता है हमारे दिल में। ठीक है, मुझे अगर मैंने शादी की है, मैं मियां बीवी के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मेरे पर पहला फर्ज ये है कि मैं दिल दिमाग सब दे दूं इस बात पे कि यार ये मेरे लिए हलाल है, ये मेरे लिए सिंसियर है, ये मेरे लिए है, ये मुझसे बनी है या बना है, ये मेरे लिए बना है। तो सबसे पहली चीज आप रिश्तों में, और यही चीज आप औलाद के साथ चले, मेरे बच्चों को भी माशाल्लाह इस बात को वो भी दे विल बेयर मी आउट कि मैं उनके साथ पूरे ट्रस्ट से चलता हूँ कि भाई ठीक है, आपने बेटे ने कहा मैं जा रहा हूँ बाहर गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं रात 8 बजे आऊंगा, वो 8:30 आ गया, मैं पूछता जरूर हूँ कि बेटा आप कहाँ हैं, आपने 8 बजे कहा था, लेकिन मैं डंडा लेके खड़ा नहीं हुआ था सड़क पे कि तू तेरी ऐसी की तैसी, तूने 8:30 बजे कहा था तू 1 मिनट लेट क्यों आया यार, ट्रैफिक में फंस गया, कुछ हो गया, तो इतना तो मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। और सबसे पहली चीज हमें रिश्तों में एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल ट्रस्ट एंड अनकंडीशनल लव, ये दो चीजें हमें इमीडिएटली ऐड कर लेनी चाहिए। नाउ इस पे मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे ओ जी ये कहना आसान है करना मुश्किल है, दुनिया में कौन सा काम को करना आसान है, सबसे मुश्किल काम जो हजरत इंसान करता है, जो हमारा जो इंसान का जो बच्चा करता है अपनी जिंदगी में, साइंस ये कहती है कि सबसे मुश्किल काम इंसान की जिंदगी में उसका पहला कदम है, जब वो 1 साल का होके अपना पहला कदम लेके चलता है ना, उससे ज्यादा स्ट्रेस उसकी बॉडी पे कभी नहीं आता। ठीक है, सो आप अगर आप इतना मुश्किल काम कर जाते हैं तो यार इतना आसान काम सिर्फ आप क्यों, अच्छा ट्रस्ट कैसे करना है आपने, ट्रस्ट भी आपने ऐसे करना है जैसे आप अपने ऊपर करना चाहते हैं। सो हमेशा पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, नंबर एक। नंबर दो, आप बात करें, कम्युनिकेट करें, इसका हमने अभी जिक्र भी किया जी, आपके दिल में कोई बात गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं हमेशा एक जुमला बोला करता हूँ कि टेंशन लेने का नहीं देने का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगले को जाके स्ट्रेस में मारना शुरू कर देना, इसका मतलब ये है कि जो बात आपके दिल में है ना उसको खोल के कर दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। हो सकता है आप गलत सोच रहे थे, हो सकता है आपको किसी ने कान भरे हो, जब आप बात कर लेते हैं और अगले का, अच्छा फिर जब बात करें तो सुनने का हौसला भी रखें, अगले का जवाब भी, कि वो जवाब दे उसको पूरा। मैं तो बल्कि इसमें जब मैं पेरेंट कपल काउंसलिंग करता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप दोनों हाथ में एक बीडन पकड़े, वो जिस तरह मेडले रिले रेस होती है ना, उसमें उन्होंने एक बीडन सा पकड़ा होता है, जो आता है तो दूसरे को पकड़ाता है फिर वो अगला भागता है, तो मैंने कहा आप एक बीडन पकड़े टाइम, उसके अंदर आपकी वो हो अलार्म क्लॉक हो कि भैया 5 मिनट तुमने बोलना है, अगर 5 मिनट से पहले खामोश हो गए तो ये क्लॉक मुझसे ले लेना, वरना 5 मिनट बाद या 10 मिनट जितना तुमने बोलना है उसके बाद अब मेरी बारी है, अब तुम पकड़ के बैठो, तुमने सुनना है, तुमने नहीं बोलना। अब फिर जब तुमने जवाब देने, अपने पास पॉइंट्स नोट कर लो, उन पॉइंट्स के ऊपर फिर मुझसे दोबारा अगली बारी तुम्हारी, आप एज एन एक्सरसाइज ये काम शुरू करें, आपकी लिसनिंग आपकी कम्युनिकेशन कमाल हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। बिल्कुल, आपने अगर कम्युनिकेशन ठीक कर ली, और एक और लास्ट चीज मैं इसमें जरूर, वैसे तो बहुत सारी चीजें लेकिन मैं एक चीज इसी से लिंक्ड ऐड करूंगा, वो ये है कि अगर आपका कोई बहुत ही करीबी आपके दिल में, आपके स्पाउस या आपके बच्चे या आपके किसी रिलेशनशिप के बारे में कोई डाउट डाले, ठीक है, तो मैं एक बुजुर्ग का एक बयान आपके सामने यहाँ पर दे के बात को खत्म करता हूँ। एक अल्लाह के वली थे, उनके पास, बल्कि आइमा में से एक थे, उनके पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जी वो फलाने साहब आपके बारे में ये बात कह रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा यार 1 मिनट ठहरो, 3 सवालों का जवाब दो, इसकी इस बात से मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है, उसने कहा नहीं, इसकी इस बात से उसकी सेहत पे फर्क पड़ता है, उसने कहा नहीं, उसने कहा इसकी इस बात से ना उसकी सेहत पे फर्क पड़ता है ना मेरी सेहत पे फर्क पड़ता है, तुम मुझे सुननी नहीं, तुम सुनाना मत, क्योंकि तुम्हारी सेहत पे फर्क पड़ेगा, तुम गीबत के मुर्तकिब हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा मोहम्मद अली जो थर्ड पर्सन होता है ना, जो दरमियान में
आपको किसी हद तक हम समझ रहे होते हैं कि इस बंदे से डिस्कस करेंगे या आगे कम्युनिकेट करेगा, खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि कई कई बहुत सी प्रॉब्लम्स जो आती है वो थर्ड पर्सन की वजह से भी आ जाती है। तो कोशिश कीजिए किसी एक्सपर्ट के पास जाइए अगर कोई ऐसा मसला आ भी गया है, खुदा ना खास्ता आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, आपके बहन भाइयों में, बजाय कि आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपने मैसेज पहुंचा रहे हो और वो बात थोड़ा सा एग्जैजरेट करके या अल्फाज का और तरीके से, और अगर बाजू का देखे तो उनकी नीयत नहीं भी होती, नीयत नहीं होती, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके खिलाफ हो, हो सकता है वो बड़ा सिंसियर हो, लेकिन उसको नॉलेज ना हो, नॉलेज ना हो, एग्जैक्टली नीयत हो सकता है कि नीयत नहीं हो लेकिन बात इस तरीके से की गई हो कि वो उस तरह से जिस तरह से ओरिजिनली बात थी वो हो नहीं। अच्छा थोड़ा सा हमने बात कर ली कि मियां बीवी के रिश्ते के हवाले से और जनरली भी घर के, थोड़ा सा बताइए कि प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरह से एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रख सकते हैं और जहाँ पे कह लेंगे एक रिश्तों में बिगाड़ नहीं पैदा हो, उस हवाले से बताइएगा। देखिए प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर तो मैं बड़ी मजेदार मिसाल दिया करता होता हूँ कि लेट्स से मुझे अपने कुलीग की शक्ल पसंद नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है, तो मुझे फोकस किस पे करना है, उसकी शक्ल पे या उसके काम पे? जाहिर है उसके काम पे, राइट? अगर मुझे किसी की शक्ल पसंद है और उसका काम अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपके कीमती वक्त का, और ये एक अहम टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत जरूरी होता है, और सबसे अहम चीज इसकी आपको खुद बात कर ले, बात कर लेनी चाहिए, खुद कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ना करवाएं, जैसे वो भी कह रहे थे कि नियत नहीं हो सकती अगले की कि आपका रिलेशनशिप खराब हो, लेकिन सम टाइम ये होता है कि उनके अल्फाज का चुनाव कुछ ऐसा हो जाता है जो अगले को बुरा लग जाता है। बिल्कुल ऐसी है, और ये एक रीजन है जिसमें हमने लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी, उसमें बहुत सारी और रीजंस भी जैसे मोहम्मद अली ने डिस्कस की कि जिसमें आप ट्रस्ट एक का लेवल है वो नहीं रखते, उसके अलावा उसी भी जो कि हर बंदा जो अपने आप में है कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और लिसनिंग का हमारा बहुत ज्यादा मसला है, हम सुन नहीं रहे होते, हम सुना तो बहुत रहे होते हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते। खैर अगर हम इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लें तो रिश्तों में जो बिगाड़ है वो बेहतर हो सकता है। जनाब यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात, देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।